नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 1 अगस्त का इतिहास देखेंगे। आज जो भी घटनाएं हुई, मुख्य जो इवेंट हुए, हमारे बर्थडेज और हमारे डेथ्स जो महान शख्सियत के हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इवेंट्स देखते हैं। 1 अगस्त के आज के दिन क्या क्या इवेंट्स हुए, तो आज ही के दिन 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस पहले यूरोपियन बने जिन्होंने वेनेजुएला को विजिट किया। आज ही के दिन 1774 में ऑक्सीजन को क्या किया गया था, खोजा गया था। आज ही के दिन 1831 में लंदन के ब्रिज को ओपन किया गया था। आज ही के दिन 1834 में स्लेवरी को एबोलिश किया गया था ब्रिटिश एम्पायर में, और स्लेवरी एबोलिशन एक्ट को लेके आया गया था 1833 में। आज ही के दिन 1838 में स्लेवरी एबोलिश की गई थी जमैका में। ये यहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी स्पेनिश सेटलर्स के द्वारा 300 साल पहले इससे, कब, 1509 में। आज ही के दिन 1936 में 11वें समर ओलंपिक को क्या किया गया था, शुरू किया गया था बर्लिन में एडोल्फ हिटलर के द्वारा। पहले इसमें ज्यू और अफ्रीकन जो लोग थे मूल के, उन्होंने इससे, इन्हें क्या कर दिया गया था, इनसे बैन कर दिया गया था इन गेम से। लेकिन जब इसका बॉयकॉट थ्रेटन किया गया सेवरल कंट्रीज़ के द्वारा और जर्मन के द्वारा, तो फिर क्या किया गया, 18 अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट जो थे, जिनमें के इंक्लूड थे हमारे जेम्स जैसे ओवेंस, मैथ्यू मैक रॉबिन्सन, इन्होंने क्या किया गया, इसमें भाग लिया और इसमें बहुत सारे मेडल्स जीते। आज ही के दिन 1944 में एनी फ्रेंक ने क्या किया था, फाइनल एंट्री की थी अपनी किस्में डायरी में। आज ही के दिन 1951 में जापान एयरलाइंस को फाउंड किया गया था, और इन्होंने अपनी पहली जो शुरुआत की थी ऑपरेटिंग, वो की थी इन्होंने 25 अक्टूबर 1951 से। आज ही के दिन 1961 में फर्स्ट सिक्स फ्लैग पार्क को ओपन किया गया था टेक्सास में। आज ही के दिन 1980 में विक्टिस फिन बो गार्डोटिर, इन्होंने क्या है, ऑफिस ज्वाइन किया था आइसलैंड में। ये क्या थी, ये चौथी प्रेसिडेंट थी आइसलैंड की। ये वर्ल्ड की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फीमेल थी जो कि हेड ऑफ स्टेट थी। इन्होंने 16 साल तक प्रेसिडेंसी को क्या किया, होल्ड रखा। 16 साल तक ये प्रेसिडेंट बनी रही, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ स्टेट है वर्ल्ड में। 1981 में आज ही के दिन फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था, किसके द्वारा, MTV के द्वारा पहला ब्रॉडकास्ट आज ही के दिन किया गया था। इसके द्वारा जो पहला वीडियो प्ले किया गया था, वो वीडियो था वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार। अब कुछ बर्थडे देखते हैं। आज ही के दिन 10 BC में क्लोडियस का जन्म हुआ था, जो कि रोमन के एम्परर थे। आज ही के दिन 1770 में विलियम क्लार्क का जन्म हुआ, जो क्या थे, एक्सप्लोरर थे। आज ही के दिन 1789 में फ्रांसिस स्कॉट का जन्म हुआ था, जो क्या थे, कंपोजर थे। उन्होंने क्या कंपोज किया था, स्टार स्पेंगल्ड बार बैनर, क्या है, इन्होंने कंपोज किया था ये। आज ही के दिन 1819 में हरमन मेलविली, इनका जन्म हुआ था। ये क्या थे, ऑथर थे। इन्होंने क्या लिखा था, मोबी डिक लिखी थी इन्होंने। आज ही के दिन 1929 में हफीजुल्ला अमीन का जन्म हुआ, जो कि अफगान के पॉलिटिशियन थे। आज ही के दिन 1930 में पेरे बॉर्ड्यू का जन्म हुआ, जो फ्रेंच के सोशियोलॉजिस्ट थे। आज ही के दिन 1932 में मीना कुमारी का जन्म हुआ, जो कि क्या थी, इंडियन एक्ट्रेस थी। आज ही के दिन 1933 में डॉम डे लुइस का जन्म हुआ, जो एक्टर थे। आज ही के दिन 1942 में जेरी ग्रेसिया का जन्म हुआ, जो सिंगर हैं, जिन्होंने क्या है, ग्रेटफुल डीड, क्या है, एक बहुत अच्छी कंपोज किया था सॉन्ग। आज ही के दिन 1963 में कोलियो का जन्म हुआ था, वो क्या थे, रैपर। आज ही के दिन 1973 में टेम्पेस्ट ब्लैड शो का क्या हुआ, जन्म हुआ, जो क्या थी, एक्ट्रेस, कहाँ से, कॉस्बी शो से। इन्होंने कॉस्बी शो में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, वो एक्ट्रेस थी, इसमें एक्ट्रेस का ही भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं प्रमुख डेथ जो आज के दिन हुई लोगों की। तो आज के दिन 1714 में एनी की डेथ हुई थी, जो क्या थी, क्वीन थी ग्रेट ब्रिटेन की। आज ही के दिन 1920 में बाल गंगाधर तिलक का क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी, जो क्या थे, भारत के एक भारतीय लॉयर थे, और उसके अलावा क्या थे, समाज सुधारक थे। आज ही के दिन 1944 में मैनुअल एल क्विजॉन का
क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी जो क्या थे, फिलीपिनो के पॉलिटिशियन थे और फिलीपींस के दूसरे राष्ट्रपति थे। आज ही के दिन 1970 में फ्रांसिस फार्मर की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी जो अमेरिकन एक्ट्रेस थी। ठीक है, इसी के साथ आज ही 2009 में कोराजोन एक्विनो जो क्या थे, फिलीपीन के पॉलिटिशियन थे और फिलीपीन के 11वें राष्ट्रपति थे, इनकी डेथ हुई थी। तो इसी के साथ आज के 1 अगस्त की हिस्ट्री की कुछ इवेंट्स और महत्वपूर्ण जो जो घटनाएं घटी थी वो समाप्त होती हैं उसकी वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ कोविड-19 के दौरान घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।